उत्तराखंड के उच्चे हिमालय खेत्र ब्यास घाटी विच काफी ज्यादा बर्फबारी शुरू हो गई है, जिस दे चलदियां ठंड बहुत ज्यादा वध गई है। पर इस घाटी के 6 पिंडां विच 1 महीने तो सर्द रुत का राशन नहीं भेजा गया, जिस करके उत्थे रहने वाले करीब 100 परिवार महंगे भाव ते राशन खरीदन दे लई मजबूर ने, जबकि बर्फबारी लगातार वधदी ही जा रही है। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰੂਚਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੱਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗੁਜਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਘਾਟੀ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਮਾਰੇ ਖੇਤਰ ਕਾ ਇਹ ਗੁੰਜੀ ਗਾਓ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ का यहाँ पे दूसरी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, मगर अभी तक यहाँ पे विंटर राशन अभी तक नहीं मिला हुआ है। और हमें अब जैसे प्रधान जी ने और सेल्समैन ने और यहाँ के सरपंच और गांव के लोगों ने बहुत बार कॉल कर ली है, बट रिसीव नहीं कर रहे, आज आते हैं कल आते हैं करके कह रहे हैं, मगर यहाँ पर इतनी बर्फबारी हो रही है, लोग परेशान है। विंटर कोटा के लिए यहाँ पे लोग रुके हुए हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पे एक गिरीफ में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो इसीलिए भी यहाँ पर जनसंख्या है, यहाँ पे गांव में 20-25 परिवार से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, मगर अभी तक हमें यहाँ पे विंटर कोटा भी नहीं मिला है। इसलिए वेट कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्दी यहाँ पे क्या राशन प्राप्त हो और आधी जनसंख्या डाउन हो जाए। यहाँ पर इतनी बर्फबारी शुरू हो गई है, बहुत ठंड हो रही है और बारिश हो रही है बर्फ के साथ साथ, और बहुत ठंड हो रहा है, यहाँ के लोग अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दरअसल नवंबर महीना शुरू हुंदिया ही ब्यास घाटी विच बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिस कारण सड़कां बंद हो जांदियां ने अते वाहनां दी आवाजाई बंद हो जाती है। पर पिछले 1 महीने तो इत्थों दे लोकां वल्लों फूड सप्लाई अधिकारी अते डीपू वालियां नूं राशन देण दी मंग कीती जा रही है, जो अजे तक नहीं दित्ता गया। इसदे कारण लोकां नूं दुकानां तों महंगे भाव राशन खरीदण लई मजबूर होना पै रिहा। इस संबंधी जदों धारूचला दे SDM दिवेश शाशनी नाल गलबात कीती गई तां उन्हां दस्या कि ब्यास घाटी दे 6 पिंडां विच विंटर दा राशन ना पहुंचण दी सूचना मिली है, जिस तों बाद उन्हां वल्लों DSO अते FZI नूं 1 हफ्ते दे अंदर राशन पहुंचाण दे आदेश जारी कीते गए। में जो 7 गांव है उसमें से 6 गांव में लगभग 100 परिवार रहेंगे विंटर्स टाइम पे भी वहां पे, एंड वहां पे शायद गोदाम में फूड की कुछ सप्लाई की कमी है। तो मेरी DSO साहब से भी बात हो चुकी है और यहाँ के लोकल फूड इंस्पेक्टर से भी बात हो चुकी है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 16 या 17 तक वहाँ पे सभी फूड सप्लाईज एडिक्वेट सप्लाई जो भी है पहुंच जाएगी वहाँ पे। फिलहाल इत्थों दे लोकां वल्लों ताजी ताजी बर्फबारी दा आनंद लिया जा रहा है, जो अगले महीने तक भयानक रूप धारण कर लवेगी अते इन्हां पिंडां तक पहुंचण वाले सारे रस्ते कुछ महीने लई पूरी तरह बंद हो जाणगे। उत्तराखंड तों महेंद्रपाल सिंह दी रिपोर्ट, हमदर्द TV।